Hello everyone, I'm Dr. Pallavi Tiple. I'm consultant gynecologist and infertility specialist. आज हम हमारे ये वीडियो में थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे. जनरली जिनके पीरियड रेगुलर होते हैं उनमें 14 डेज पे ओवुलेशन होता है, या जिनके पीरियड इरेगुलर होते हैं उन्होंने यदि ओवुलेशन डॉक्यूमेंट्स करके ओवुलेशन हुआ है और उस टाइम पे यदि उनके रिलेशन आए हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं. कुछ पेशेंट रहते हैं उनमें ओवुलेशन के टाइम पे उन्हें कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे उनके एब्डोमिनल में पेन होता है या उनका जो वजाइनल सिक्रेशन होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है. जब भी ओवुलेशन के बाद रिलेशन आते हैं तो उस टाइम जो स्पर्म सैंपल रहता है या जो स्पर्म रहते हैं वो हमारे फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, और उस टाइम पे ओवुलेशन के बाद हमारा जो एग रहता है वो जनरली 12 to 24 hours फैलोपियन ट्यूब में रहता है. वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होने तक वो ब्लास्टोसिस्ट यानी हमारा जो एम्ब्रियो है वो फैलोपियन ट्यूब में रहता है, और फैलोपियन ट्यूब के बाद वो यूटेरस में आता है, और यूटेरस की जो लाइनिंग है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं वहाँ पे वो इम्प्लांट हो जाता है. इम्प्लांट होना यानी चिपकना होता है. तो अभी हम जानेंगे कि ये ब्लास्टोसिस्ट होता क्या है. ब्लास्टोसिस्ट यानी हमारा जो एम्ब्रियो 5 दिन का रहता है उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं. ब्लास्टोसिस्ट के 3 पार्ट होते हैं. जो आउटर पार्ट रहता है उससे हमारा प्लेसेंटा बनता है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता है, और इनिशियल प्रेगनेंसी में वो बीटा एसजी हार्मोन सिक्रेट करता है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, और लैटर में प्लेसेंटा का काम होता है हमारे बेबी को ब्लड सप्लाई करना. जो इनर सेल मास होता है ब्लास्टोसिस्ट का उससे हमारे बेबी के सब ऑर्गन्स फॉर्म हो जाते हैं, और इनर सेल मास के अराउंड जो फ्लूइड रहता है उससे अमनियोटिक फ्लूइड बनना स्टार्ट हो जाता है. तो अभी हमने जाना कि ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है और उससे हमारे बेबी के थर्ड वीक में एग्जैक्टली कैसे फॉर्मेशन हो जाता है, या थर्ड वीक में ब्लास्टोसिस्ट में क्या चेंजेस आते हैं. अभी हम जानेंगे कि ये थर्ड वीक में हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. यदि आपने आपके डॉक्टर्स को आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपने पहले ही विजिट किया है और आपके डॉक्टर्स ने आपको प्रीनेटल विटामिन्स दिए लाइक फोलिक एसिड, विटामिन D3, विटामिन B12, तो आपको वो कंटिन्यू करने हैं. यदि आपका ओवुलेशन इंडक्शन से या कुछ मेडिसिन से ओवुलेशन हुआ है तो आपके डॉक्टर्स ने आपको ल्यूटियल सपोर्ट के लिए यदि प्रोजेस्टेरोन प्रिस्क्राइब किया है तो वो आपको कंटिन्यू करना है. कभी कभार डॉक्टर इकोस्क्रीन ये टैबलेट भी बताते हैं, या कभी कभार डॉक्टर लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन बताते हैं. यदि आपके प्रीवियस बहुत सारे अबॉर्शन हो तो डॉक्टर ये मेडिसिन बता सकते हैं, तो वो आपको कंटिन्यू करना है. आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है ये टाइम पे स्मोकिंग नहीं करना है, ड्रिंकिंग नहीं करना है, कैफीन का सेवन नहीं करना है, और आपकी लाइफस्टाइल आपको अच्छी रखनी है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब का सेवन आपको ज़्यादा करना है. और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये थर्ड वीक में हमें देखना है कि हम स्ट्रेस फ्री रहे. स्ट्रेस ये फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इम्प्लांटेशन फेलियर के लिए. जब हमें हमारे सराउंडिंग में या हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो उस टाइम पे हमारी एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट्स करती है. ये हार्मोन के वजह से यूटरस में कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इम्प्लांटेशन होने में प्रॉब्लम आते हैं, या जो इम्प्लांटेशन होने के बाद जो हमारा एम्ब्रियोज होता है वो भी बाहर निकल के आ सकता है. इसलिए मेरी आपको पर्सनल एडवाइस है, यदि आपको लगता है किसी फैक्टर से आपके लाइफ में स्ट्रेस है तो आपने वो फैक्टर अवॉइड करना चाहिए, और आपने अपनी लाइफ को अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखनी चाहिए. थैंक यू सो मच.